स्क्वाट्स एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी लोअर बॉडी को ग्रो करने के लिए, स्पेशली आपके क्वाड्स और ग्लूट्स के लिए। तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे स्क्वाट्स करने के फायदे और स्क्वाट्स परफॉर्म करने का सही तरीका। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मेरा नाम आकाश, वीडियो शुरू करते हैं। स्क्वाट्स एक कंपाउंड मूवमेंट है जो कि आपकी लोअर बॉडी के साथ आपके कोर को भी स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करती है। वैसे ही ये आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी और पॉस्चर ठीक करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो जितनी अच्छी और इफेक्टिव ये एक्सरसाइज है उतने ही इसमें रिस्क भी हैं। अगर आप स्क्वाट्स को गलत फॉर्म और गलत टेक्निक से करते हैं तो इससे आपको नी पेन और लोअर बैक पेन हो सकते हैं। तो अब देखते हैं स्क्वाट्स परफॉर्म करने का सही तरीका, जिससे आप अपनी नी पेन और किसी भी इंजरी से बच सकते हैं और अपनी स्क्वाट्स को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो स्क्वाट करने के लिए बारबेल को अनरैक करें, 2 स्टेप्स पीछे आएं और स्क्वाट्स करें। तो पहली गलती है, लोग स्क्वाट्स करते वक्त वेट को आगे शिफ्ट कर लेते हैं और अपने हील्स को उठा लेते हैं, जिससे आपके नीज में काफ़ी प्रेशर आता है और ये एक कारण है आपके नी पेन होने का। अपने फुट को अच्छी तरह ज़मीन पर स्टेबल रख कर पूरे फुट से फोर्स लगाएं, जिससे लोड आपकी मसल्स में सही तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगली चीज़ जो है, बहुत से लोगों की स्क्वाट्स करते वक्त नीज कोलैप्स होती हैं, जिसे हम नी केविंग भी कहते हैं। नीज का इस तरह कोलैप्स होने का कारण है नीज की इंस्टेबिलिटी, और ये आपके कार्टिलेज को डैमेज कर सकती है। और नीज कोलैप्स होने का बड़ा कारण है अपने ग्लूट्स मसल को पूरी तरह इन्वॉल्व ना करना। तो स्क्वाट्स में अपने ग्लूट्स मसल को पूरी तरह इन्वॉल्व करें, स्टेबल रखें और स्क्वाट्स परफॉर्म करें। तो अगली चीज़ है रेंज ऑफ मोशन। बहुत से लोग स्क्वाट्स करते वक्त बस हाफ स्क्वाट्स करते हैं। इससे क्या होगा? कुछ नहीं, इससे आपके मसल्स में कोई लोड नहीं आएगा, इससे आप खुद को चीट कर रहे हैं। इससे अच्छा आप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, अच्छी डेप्थ के साथ स्क्वाट्स करें। फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं कि आप स्क्वाट्स करते वक्त इतने नीचे जाएं कि आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स टच हो जाएं, जिसे हम एस टू ग्रेस भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह स्क्वाट्स करने से भी आपकी नीज में बहुत प्रेशर आता है। और मोस्टली जो प्रेशर है वो आपके एस टू ग्रेस पोजिशन से ऊपर आने में आपके नीज पर आता है। स्क्वाट्स की सही डेप्थ ज़मीन की पैरेलल लेवल से स्लाइटली नीचे होने चाहिए, जिससे आपकी नीज पर प्रेशर कम आएगा और मसल्स पर लोड ज़्यादा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि हेल्प कर सकती हैं आपको अगर स्क्वाट्स करते वक्त नी पेन होता है। तो सही तरह स्क्वाट्स करें, अपने नीज को प्रोटेक्ट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने भाई बंधु फैमिली सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।